काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है और कभी कभी हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मोटी भी हो जाती है, जिसके कारण हमारी फिजिकल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है और हम काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगते हैं, जिसकी वजह से हम मेहनत भी नहीं कर पाते और अपनी बॉडी को हिट और एक्टिव नहीं रख पाते। और काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ इसी कारण जिम में जाकर काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह इसमें अपनी बॉडी के साथ ज़्यादा अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाते और अपनी बॉडी को और अच्छे से बेहतरीन नहीं बना पाते। काफ़ी सारे मेन फीमेल बॉडी बिल्डर्स और मेल बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए काफ़ी प्रॉपर इम्पॉर्टेंट डाइट टिप्स वगैरह भी देते हैं और साथ ही साथ अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही फीमेल बॉडी बिल्डर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस हल्क फीमेल बॉडी बिल्डर का नाम कॉलिन फोर्टसर्च है। यह सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली हैं। इनकी हाइट 5'8" है और इनका वजन 75 kg के आसपास रहता है। कॉलिन अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं और इसी के साथ साथ वह अपनी फिटनेस को इस तरीके से मेंटेन करके रखी हुई हैं, जिसके कारण वह वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क में 223 pounds उठा सकती हैं और डेड लिफ्ट में 330 pounds, जिसके कारण यह काफ़ी ज़्यादा दुनिया में लोगों को हैरान कर देती हैं। कॉलिन को बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शौक था कि वह अपने आप को फिट रखे और अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए वह काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स खेला करती थी और स्पोर्ट्स में उनका काफ़ी इंटरेस्ट होने की वजह से ही उनका फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसी के साथ इन्होंने अपनी बॉडी पर इतना ध्यान दिया कि इन्होंने अपनी लाइफ को एक फिटनेस जर्नी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन रखने के साथ साथ यह यूसी ब्रिकली में एक स्विमर थी और वहां इन्होंने अपने लिफ्टिंग प्रोग्राम को शुरू किया। इसी के साथ इसे बरकरार रखने के लिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी इन्होंने अपना लिफ्टिंग करियर शुरू कर दिया था और जैसे जैसे ये लाइफ में आगे बढ़ती गई, इन्होंने अपनी बॉडी को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए सर्टेन अमाउंट में वेट लिफ्टिंग करना और काफ़ी सारे जिमनास्टिक स्किल्स भी सीखे, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कॉम्पिटिटर बन पाई। क्रॉसफिट एथलीट बनने के साथ साथ यह काफ़ी सारे तरीके का वर्कआउट करती हैं, जिससे अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके।